हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ, दैट इज़ 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स। देखिए, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम है, MSc का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर दिल्ली में आप जैसे BSc के लिए आप देना चाहते हो, PU यूनिवर्सिटी में देना चाहते हो, तो उसमें भी आता है। दैट एज वेल नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज वेल एज गेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ है जो JEE का होता है पेपर, ठीक है, JEE का पेपर होता है, मेंस का होता है, इन सब में जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स जो है वो पूछा जाता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग टू ऑल दिस एग्ज़ाम, और आप इस टॉपिक को, इस वीडियो को देख के जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को जो है क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। तो सबसे पहले 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, देखो नाम इंडिकेट कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स क्या होते हैं, कि कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, कंपाउंड हैं, वो आपके 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करें। 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को कैसे फॉलो करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स हो जाए, किसी मान लो कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, यदि उसका मतलब 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कैसे फॉलो करेंगे, जब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उस कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल आ जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन के, तो दैट मीन्स वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है वो कंपाउंड। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, क्या कि कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने वाली हूँ, कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस कंपाउंड में, जितने भी एटम है, एलिमेंट है, उनका जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करोगे, उनको सम अप करोगे, सम अप करने के बाद यदि वो सम अप 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल आता है, तो दैट मीन्स द गिवन कंपाउंड इज फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, ठीक है। इनिशियली आपने समझा, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मैं क्या वो एग्जाम्पल दे रही हूँ। एग्जाम्पल से जैसे कि हमने लिया क्रोमियम CO6, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है क्रोमियम, ठीक है, दिस इज अ सेंट्रल मेटल एंड CO इज अ लिगेंड, ठीक है। अब क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए इनिशियली, मतलब ठीक है, तो एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा इसका, 24, ठीक है, 24 होगा। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3D5 4S1। अब बेसिकली देखो, इस चीज़ से करने से पहले, मतलब आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सीखने से पहले, आपको जो है मतलब जो है क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल्स में आपको 1 to 20 तो सभी को याद होंगे, ठीक है ना, तो आप 21 to 30 भी लर्न कर लीजिए, 21 to 30, जिसमें आप जैसे स्कैंडियम होता है, ठीक है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, उसके बाद आपका क्रोमियम आता है, मैंगनीज आता है, आयरन आता है, आयरन 26 हो गया, देन उसके बाद जो है कोबाल्ट है, निकल है, निकल के बाद आपका जो है 28, 29 कॉपर एंड जिंक है, ये आपके 30 तक हो गए हैं, ठीक है, 30 तक हो गए हैं। और उसके साथ साथ जो है आपको एक मैं वीडियो ही अपलोड कर दूंगी किस तरीके से आप इस चीज़ को लर्न करोगे, क्योंकि इसके जो आपके डाउनवर्डिंग सीरीज़ है, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल है, क्योंकि ये 3D सीरीज़ में काउंट होते हैं, फिर आपको 4D ट्रांजिशन सीरीज़ और 5D भी आपको थोड़ा बहुत जो है आइडिया होना चाहिए, मतलब ये आपको होंगे ना लर्न, तो आप इससे जो है डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। वो कैसे है वो मैं आपको बता दूँ, पहले आप देख लो कि किस तरीके से आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्रोमियम का 24 होता है, देखो कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D5 4S1, राइट, तो जिसकी वजह से इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लें, मैंने अभी आपको बताया कंपाउंड का क्या लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने भी अब सेंट्रल मेटल के आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए, ठीक है, कितने हो गए आपके पास, 5 और 1 आपके हो गए 6, ठीक है, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए क्रोमियम के, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने देखने, प्लस उसके बाद है कार्बोनियल। कार्बोनियल जो ग्रुप होता है, ध्यान रखना है आपने, कार्बोनियल ग्रुप जो होता है, एक कार्बोनियल, वन कार्बोनियल ग्रुप गिविंग इन अ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे 6 हैं, तो 6 कार्बोनियल कितने देंगे, ठीक है, 1, 2 दे रहे हैं, तो 6 कितने देंगे, 6 देंगे आपके 12, तो 12 ये चीज़ होगी। तो आप देखोगे इसको सम अप करोगे तो 12 और 6 कितने होते हैं, 18, तो 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए इस कंपाउंड के। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम अप इक्वल हो जाता है 18 इलेक्ट्रॉन्स के, तो दैट मीन्स द गिवन कंपाउंड फॉलो करता है, किस चीज़ को फॉलो करता है, फॉलो करता है रूल को, रूल को क्या करता है, बहुत फॉलो करता है। बहुत ही सिंपल एंड इजी है, सिर्फ आपने क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपने काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया निकल CO4, ठीक है, निकल इज अ सेंट्रल मेटल एंड कार्बोनिल इज अ लिगेंड। अब निकल आपका, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28,
ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 3d8 4s2। एक सिंपल सा तरीका भी है वैसे, आपको एक को बताऊं, जैसे एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर का सम अप कर लो, 8 और 2 10, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ से भी करोगे 8 और 2 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए निकल के प्लस में। एक कार्बोनिल अभी मैंने आपको बताया, एक कार्बोनिल आपको जो है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 4 कितने देगा आपको, सिंपल सी बात है, 8 देगा। तो 10 और 8 18 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए इस कंपाउंड के, दैट मीन्स दिस 18 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, दैट मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, राइट। अब आता है आपका नेक्स्ट एग्जांपल, हम लेते हैं क्योंकि एग्जांपल प्रैक्टिस से ही आएगा, बस आपको पता होना चाहिए हाउ टू बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल लिया आपने क्रोमियम और एनो नाइट्रोसाइल आपने लिया यहाँ पे ये, ठीक है, और ये आपका कंपाउंड है, सिंपल सी बात है क्रोमियम, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको रैंडमली याद हो जाएगा, फिर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि भाई हाँ ऐसे करते हैं ना हम सीरीज याद करते हैं कि भाई हाँ इराक रह गया कोलंबिया से, कुछ इस तरीके से आप सीरीज बनाते हो, या मीना गई थी खेत घूमने, कुछ ऐसा। तो क्रोमियम है, क्रोमियम का वही 24 एटॉमिक नंबर होता है और 3d5 4s1, ठीक है। तो इसका जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो कितने हैं, 6 से देखो, 5 और 1 6 हैं, 4 और 2 6 हैं, ठीक है, प्लस में नाइट्रोसाइल। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, देखो जो नाइट्रोसाइल ग्रुप है आपका, जो नाइट्रोसाइल ग्रुप है वो आपका दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है लीनियर, एक होता है बाबू बेंट, ठीक है, एक होता है लीनियर एक होता है बेंट। लीनियर में जब एनो प्रेजेंट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है, और जब बेंट शेप में एनो प्रेजेंट होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ये आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को नोट कर लेना कि जो एनो है नाइट्रोसाइल है यदि लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, इफ़ यदि एनो आपका बेंट फॉर्म में है तो वो आपका 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। अब आप कहोगे कि इसमें तो पता नहीं चल रहा अभी लीनियर है या बेंट है, बिल्कुल सही, जब तक आपको एग्जामिनर ये ना कहे कि वो लीनियर है या बेंट है, ठीक है, जब तक वो, क्योंकि यदि लिखा आता है, मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे लीनियर फॉर्म में है आपका एनो, तो सिंपल सी बात है आपने 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करने हैं, 4 है, एक एक एनो जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 4 कितने करेगा, 4 × 12 12 और 6 18, तो मतलब ये जो है 12 और 6 18, मतलब ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन्स को जो है फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये कंपाउंड करेगा। लेकिन दूसरा इसी के अंदर दूसरा केस मैं क्या कह दूँ, इसी में दूसरा केस मैं ये कह देती हूँ कि ये जो कंपाउंड है क्रोमियम आपके नाइट्रोसाइल 4 यही है ना, क्रोमियम कितने 6 प्लस में, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी कि नाइट्रोसाइल जो है वो बेंट फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, अभी एक एनो जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 4 कितने करेंगे, 4, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 10 इस कंपाउंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं जो कि 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि ये कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो नहीं करता, समझ में आया। लीनियर में है तो फॉलो कर रहा है, बैंड में है तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। अब आपने ये चीज़ देखा है, अब आप मेरी बात ध्यान से सुने, जब तक एग्जामिनर आपको ये ना कहे कि वो बैंड है या लीनियर है, ठीक है, तब तक आपने उस कंपाउंड को लीनियर ही कंसीडर करना है, उस कंपाउंड को आपने क्या कंसीडर करना है, लीनियर। यदि वो स्पेसिफाई करता है तो देन यू टेक द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू देयर कंसीडरेशन, इफ़ यू कंसीडर लाइक दैट बेंट तो 1 इलेक्ट्रॉन एंड द लीनियर द 3 इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज एग्जामिनर कंसीडर नहीं करता है तो आपने कंपाउंड में नाइट्रोसाइल के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर शेप में लीनियर टी के अकॉर्डिंग लेने हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए हैं, देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के बारे में बताया, ठीक है, कहाँ कहाँ आता है ये भी मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने यहाँ पे जो है 4 एग्जांपल्स जो है किए हैं, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा द हाउ टू बी कैलकुलेट द 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, और बहुत सिंपल एंड ईजी है, किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम कोशिश करें। और दूसरी बात, ये तो बहुत सिंपल से मतलब जो है एग्जाम्पल थे जिसके थ्रू मैंने आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स समझाने की कोशिश की है, कॉम्प्लेक्सेस जो कॉम्प्लेक्स टाइप के जो कॉम्प्लेक्स हैं कंपाउंड हैं उनको भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन वो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।